जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, चुनाव आयोग जब झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा तब करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आज ही जमशेदपुर में चुनाव का बिगुल फूंक दिया। हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान भी कर दिया और भाजपा के लिए वोट भी मांग लिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सत्ता तक पहुंचने के लिए किस हद तक बेचैन है, बेकरार है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लग गया कि मोदी को सड़क के रास्ते 2 घंटे की यात्रा करके जमशेदपुर आना पड़ा, और वो भी सिर्फ सभा करने जहां कुछ हज़ार लोग मौजूद थे। जब ख़राब मौसम की वजह से सरकारी कार्यक्रम रांची से ऑनलाइन हो गए थे और जमशेदपुर का रोड शो भी कैंसिल हो गया था, तो यह तय होने लगा था कि जमशेदपुर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकती और सभा भी रद्द करनी पड़ेगी, तो विपक्षी खेमे के लोग चुटकियां लेने लगे, फफ्तियां कसने लगे। खासकर कांग्रेसी खेमे से छींटाकशी बढ़ गई और तभी खबर आई कि मोदी सड़क के रास्ते जमशेदपुर आ रहे हैं और गोपाल मैदान में उनकी जो तयशुदा सभा है वो होने वाली है। दोस्तों, मेरी याद में मोदी ने चुनावी रोड शोज के अलावा इतनी लंबी सड़क यात्रा किसी सभा के लिए की हो, और वो भी तब जब झारखंड में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। यह अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है, कि ज़मीन पर बीजेपी की क्या हालत है। रामायण महाभारत में हमने सीरियलों में देखा है और इन ग्रंथों में पढ़ा है कि युद्ध में तरह तरह के बाण और अस्त्र शस्त्र छोड़ने के बाद अंतिम हथियार के रूप में ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ तो बीजेपी ने युद्ध की घोषणा के पहले ही ब्रह्मास्त्र दाग दिया, यानी मोदी को उतार दिया। आज की भारी बारिश में यह ब्रह्मास्त्र उतना कारगर भी नहीं दिखा है जितनी बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी। दोस्तों, हम लोग ये मान कर चल रहे थे कि आज की सभा में मोदी चंपाई सोरेन की पीठ ठोक कर उन्हें अखाड़े में उतार देंगे, उन्हें हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन शायद हम गलत थे। हम भूल गए थे कि मोदी के मंच पर सिर्फ मोदी होते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता, लिहाजा कैमरा सिर्फ मोदी पर ही फोकस्ड रहा। एक जो सबसे खास बात यह दिखाई दी कि मोदी सभा स्थल पर आए, मंच पर बैठे भाजपा नेताओं का अभिवादन किया, तब बाबूलाल मरांडी का भाषण चल रहा था, उन्हें हिमंता बिश्व शर्मा ने भाषण खत्म करने को कहा। मोदी के मंच पर आते ही स्वागत की औपचारिकता हुई और वे सीधे भाषण देने के लिए चले गए। जोहार और राम राम के साथ सीधे भाषण की शुरुआत कर दी। शायद इतना समय नहीं रहा होगा कि मोदी को मंच पर मौजूद नेताओं के नाम लिखकर दिए जाते, या फिर मोदी ने जानबूझकर नेताओं का नाम लेने से परहेज किया होगा, क्योंकि उन्हें खनिजों की लूट पर बोलना था, घोटालों और भ्रष्टाचार पर बात करनी थी, और अपने साथ मंच पर मधु कोड़ा की मौजूदगी उन्हें थोड़ा असहज तो कर ही रही होगी। वैसे भी मंच पर जो बड़े नेता थे उनमें शिवराज सिंह चौहान और लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्थानीय स्तर के कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे मंच पर जो भाजपा के नेता थे वे मल्टी ब्रांड इम्पोर्टेड नेता थे। इनमें मधु कोड़ा कोयला घोटाला में सजा पा चुके हैं, खनन घोटाले के आरोपी हैं, आय से अधिक संपत्ति के भी आरोपी हैं, हिमंता बिश्व शर्मा पर लुइस बर्जर घोटाला और शारदा घोटाले का आरोप था, लेकिन भाजपा में आने के बाद जांच नहीं हो रही है। शैलेंद्र महतो भी थे जिन्होंने सांसद रिश्वत कांड में पैसा लेने की बात खुद कबूली थी। तो मोदी को लगा होगा कि इनका नाम लेने से बढ़िया है राम राम करके शुरू हो जाया जाए। मोदी ने चुनावी भाषण तो दिया लेकिन प्रभावी नहीं दिखे। उम्मीद थी कि चंपाई को थोड़ा ज्यादा तवज्जो मिलेगी, लेकिन मोदी ने उनको और सीता सोरेन को एक बराबर तराजू पर बैलेंस कर दिया, बराबर की अहमियत दी, अपमान से आगे कुछ कहा नहीं और बदला लेने का जिम्मा गरीब आदिवासी समाज पर डाल दिया। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए
उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। मोदी की पूरी स्क्रिप्ट बिल्कुल वही थी जो भाजपा के नेता झारखंड में लगातार दोहराते आ रहे हैं। उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, जमीन हड़पने की बात कही, कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग घुसपैठियों से मिले हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि भारत की सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है। आखिर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं और क्या घुसपैठ की और डेमोग्राफी की समस्या अकेले झारखंड की समस्या है, इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है, यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है, घुसपैठिए पंचायतों पर व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं, बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई यह है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस को झारखंड का दुश्मन बताते हुए मोदी ने ज्यादातर समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन से भ्रष्टाचार सीख रहा है। साथियों, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन है जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। पिछली सरकारों पर खनिज लूट का आरोप लगाते समय मोदी यह भी भूल गए कि झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही शासन किया है और जिसे भाजपा सबसे बड़ा घोटालेबाज और भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते नहीं थकती थी, वही मधु कोड़ा उनके साथ मंच शेयर कर रहे थे। साथियों, पहले की सरकारें खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड और दूसरे इलाकों से केवल वसूली करती थी। दोस्तों, वैसे
मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है और झारखंड के मामले में ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ से ज़्यादा मिले, कांग्रेस के मंत्री के यहाँ आलमगीर आलम के यहाँ और उनके नौकरों के यहाँ इतनी बड़ी रकम मिली और कांग्रेसी मंत्रियों के भ्रष्टाचार के किस्से आम हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ जायज़ चिंताएँ भी जताईं, जैसे उत्पाद सिपाही भर्ती में अभ्यर्थियों की मौत का मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आएगी तो इसकी जांच कराई जाएगी, दोषियों को सजा भी दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने अभ्यर्थियों को नौकरी देने और उन्हें मुआवजा देने की बात पर कुछ नहीं कहा। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का पत्ता मिला कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शह दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। प्रधानमंत्री ने जेपीएससी और जेएसएससी की बात कही, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नौकरी बेचने वाले गिरोह की उन्होंने बात कही, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, लेकिन मोदी भी वही बातें दोहराते रहे जो बाबूलाल मरांडी, हिमंता बिस्व शर्मा या दूसरे भाजपा नेता पिछले कई दिनों से उठाते आ रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा की सरकार आई तो वह क्या करेगी नौकरियों के मामले में, युवाओं को क्या एश्योरेंस देगी सरकार नौकरियों के मामले पर, यह जानने के लिए हमें शायद भाजपा के मैनिफेस्टो का, घोषणा पत्र का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मोदी ने मैया योजना और दूसरी सरकारी योजनाओं की भी आलोचना की और कमीशन खोरी का मुद्दा तो उठाया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि क्या जब झारखंड में भाजपा की सरकारें थी तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होते थे, क्या कमीशन खोरी नहीं होती थी, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग नहीं बन चुका था। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अब वह आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5,000-5,000 देने पड़ते हैं। कुल मिलाकर मोदी समस्याएं गिना गए, वही बातें दोहरा गए जो भाजपा के नेता लगातार बोलते आ रहे हैं, वही स्क्रिप्ट पढ़ गए जो बीजेपी में आने के बाद चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पढ़ रहे हैं। मोदी समस्याएं तो गिना गए लेकिन समाधान नहीं बताया, या शायद समाधान देना मकसद ही नहीं था। तो कुल मिलाकर मोदी का भाषण इतनी जोरदार बारिश में दूर दूर से आए भींग रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश नहीं भर पाया, उनके बदन में वो गर्मी नहीं ला पाया, उनके खून में वो उबाल नहीं ला पाया जो जरूरी था। दोस्तों, आज से झारखंड में भाजपा ने बोरो प्लेयरों के सहारे गीली पिच पर चुनावी पारी की शुरुआत कर दी है। मोदी की चुनावी पारी की पहली बैटिंग औसत दर्जे की रही है, अब मैच के रिजल्ट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के बीच बीच में QR कोड आपको दिखाई देते होंगे, तो अगर आप सक्षम हैं और चैनल को थोड़ी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके सहयोग दे सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।